आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, कल क्रिसमस था, कल पूरी देश की जनता के सामने आपने बयान दिया कि आज के दिन जीसस क्राइस्ट की शिक्षा को हमें याद रखना चाहिए। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आपकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं या आपके जो कट्टर भक्त हैं, आप सीधे तौर पर उन्हें संदेश और शिक्षा क्यों नहीं देते? क्योंकि क्रिसमस के दिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं वो शर्मनाक हैं, शर्मनाक हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं चाहूंगा उनके वो अंधभक्त और बीजेपी की जो सहयोगी संस्थाएं हैं जिन्होंने ईसाइयों पर कल अत्याचार किए वो भी पढ़ें प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। मगर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर एक आदमी जो है वो बच्चों के सामने खड़े होकर माइक पर कुछ कह रहा है। यहां पर ये बच्चे जो हैं क्रिसमस के एक समारोह में आए हुए हैं और ये एक भीड़ के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू करता है। और आप जानते हैं इसके बाद जो संस्था वहां पहुंची थी उनका एक प्रवक्ता कहता है कि यहां पर बच्चों का धर्मांतरण हो रहा था, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। सरासर झूठ, क्योंकि पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, नंबर एक। नंबर दो, आप जानते हैं ऐसा करना नामुमकिन है, खासकर उस राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है। आज हालात ये हो गए हैं कि ईसाई शांतिपूर्वक तरीके से अगर क्रिसमस के दिन दोस्तों कोई समारोह करना चाहते हैं, ये भी इन कट्टरवादी संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह खामोश हैं। प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया, पहले मैं चाहूंगा आप वो देखें और मैं चाहूंगा ये कट्टरवादी संस्थाएं भी वो पढ़ें। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, Christmas greetings to everyone. We recall the life and noble teachings of Jesus Christ, which placed topmost emphasis on service, kindness and humility. May everyone be healthy and prosperous. May there be harmony all around. प्रधानमंत्री यहां दो बातें कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि हमें इस मौके पर जीसस क्राइस्ट की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने समाज में किस तरह से शांति और भाईचारे का संदेश जो है वो पहुंचाया। फिर आगे वो कहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब प्रगतिशील रहें और सब जगह पर शांति हो। प्रधानमंत्री की इस बात को क्या उनके वो कट्टर समर्थक समझेंगे जो कल के दिन चर्चों में पहुंचकर, उन समारोह में पहुंचकर जहां बच्चे मौजूद थे उन्हें परेशान कर रहे थे? एक और वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति जो है वो गिटार बजा रहा है, सामने एक समारोह चल रहा है और फिर वहीं पर पहुंच के लोग नारेबाजी करने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में जो युवा गिटार बजा रहा है ना, उसके चेहरे पर मायूसी को आप देखिएगा। वो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से क्रिसमस मना रहा था और फिर देखिए उन लोगों ने वहां नारेबाजी करके धमका कर उसकी क्या हालत की, देखिए। और आगरा की ये तस्वीर देखिए साहब, सांता क्लॉस के पुतले को जलाया जा रहा है। बाद में जब इनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि सांता क्लॉस लोगों के घरों में आकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। भैया ये जो कहानी है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को बताई जाती है कि आप एक पन्ने पर लिखिए कि आपको क्या चाहिए और रात को सांता क्लॉस आते हैं, वो एक पुरस्कार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तमाम चीजें जो हैं वो कल्पना हैं, ये हकीकत में नहीं होता है। और अगर आपके घरों में सांता क्लॉस आते भी हैं तो सांता क्लॉस का जो वेशभूषा है वो कई हिंदू लड़के भी पहनते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। मगर ये लोग इस कदर ब्रेन वॉश हो गए हैं कि एक कल्पना को इन्होंने अपने प्रचार का हिस्सा बना दिया है। या तो खुद ये ना समझ है दोस्तों, या इन्हें लगता है कि इनके समर्थक इतने फूहड़, इतने मूर्ख हैं
कि इनको कुछ भी पट्टी पढ़ा दी जाए ये लोग उसका अनुसरण करेंगे। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं इन प्रदर्शनकारियों से, आपने गौर किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज के दिन हम जीसस क्राइस्ट की शिक्षा को ना भूलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंदर शांति और भाईचारा फैलाएं। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनेंगे? क्या आप देश के हिंदू हृदय सम्राट की भी नहीं सुनेंगे? मगर प्रधानमंत्री लगातार खामोश बने हुए हैं। कर्नाटक के अंदर जो जो हुआ वो कितना शर्मनाक है। बेलगावी के एक चर्च में कुछ जो ईसाई थे वो अपना समारोह मनाना चाहते थे, मगर पुलिस ने कहा हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते श्री राम सेने और बजरंग दल से, इसलिए आप ये समारोह अपने घर में मनाइए। फिर उत्तराखंड के अंदर आपको याद होगी वो तस्वीरें जहां कट्टरवादी संस्थाएं हैं वो लोग घुसे और उन्होंने चर्च के अंदर तोड़फोड़ की। दिल्ली के अंदर एक चर्च का निर्माण हो रहा था, बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और वहां नारे लगाते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। यह कहा जाता है जिस तरह से अंग्रेजों ने 200 साल हम पर राज किया और हमने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये लोग भी वही करना चाहते हैं। और ईसाइयों की क्या तादाद है इस देश में दोस्तों? सिर्फ 2%। और मैं समझना चाहता हूं क्या ईसाइयों को, क्या मुसलमानों को, क्या सिखों को अब पूजा अर्चना करने का भी अधिकार नहीं होगा? प्रधानमंत्री ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ आप जीसस क्राइस्ट की शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ये सब होने दे रहे हैं, क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। आप इटली गए थे, वहां आप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप से मिले थे और पोप को आपने भारत में आने का निमंत्रण दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि गोवा में आपको चुनाव जीतना है या मणिपुर में आपको चुनाव जीतना है जहां पर ईसाइयों की एक बहुत बड़ी आबादी है। मगर मैं ये समझना चाहता हूं ये जो दोहरे मापदंड हैं, यानी कि भक्तों को कुछ और कहना और वोट्स के लिए कुछ और करना, फिर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई और संदेश देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मैं ये संदेश दे रहा हूं कि साहब देखिए यीशु की शिक्षा जो है या जीसस क्राइस्ट की शिक्षा जो है वो कितनी महान है, कितनी खूबसूरत है, मगर फिर जमीन पर आपके सोच से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, क्यों? कल क्रिसमस के दिन जो हुआ दोस्तों वो हर भारतीय के लिए शर्मनाक है। जो लगातार पिछले 2 महीनों से हो रहा है कि ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाया जा रहा है, और सबसे दुख की बात यह है माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए हमारी धार्मिक नगरियों का सहारा लिया जा रहा है। हरिद्वार में क्या हुआ याद है ना आपको? धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने की बात की गई। यह कहा गया कि तलवार नहीं, अब आप AK-47 या बड़े बड़े हथियार रखें। यह भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे जो 1857 की गदर क्रांति, हिंसक क्रांति से भी बड़ी होगी। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही थी, और पुलिस ने किस पर FIR दर्ज किया? उस मुसलमान पर जो हाल ही में हिंदू बना था। वो कौन है? रिजवी, जो त्यागी बन गया था। इससे शिक्षा उन मुसलमान पत्रकारों के लिए भी है या उन मुसलमानों के लिए भी है जो अपने भ्रष्टाचार के केसेस को बचाने के लिए बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। संघ की सोच में मुसलमान जो है वो एक दोयम दर्जे का नागरिक है। आपकी इज्जत तभी होगी जब आप सच के साथ खड़े हैं। चाटुकारिता करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती है। आपको क्या लगता है